गूगल ने हाल ही में अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 को रिलीज़ किया है और अब 5 ऐसे नए फीचर्स के अनाउंसमेंट भी कर दिया है जो कि पुराने एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड 9 और एंड्रॉयड 10 पे भी अवेलेबल कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं गूगल ने कौन से ऐसे 5 नए फीचर्स के अनाउंसमेंट किया है और हमें उनसे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज क्रिस और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म इंडिया यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहले फीचर्स की बात करें तो गैस गूगल ने अब वॉइस असिस्टेंट कमांड को और भी एक्सटेंड कर लिया है, जिससे कि हम अब वॉइस असिस्टेंट को कमांड देकर अपने फेवरेट ऐप को ओपन या सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम थर्ड पार्टी ऐप्स को अपने वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एवरीडे टास्क को और भी इजीली तरीके से कर पाएंगे। ये फीचर उन सब फ़ोन पे अवेलेबल होगा जिस पे गूगल असिस्टेंट अनेबल है। और अब दूसरे फीचर्स की बात करें तो गूगल ने अब अपने ऐप गूगल डुओ, जो कि वीडियो कॉलिंग ऐप है, उस पर स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन अनेबल कर दिया है, जिससे कि हम अब वीडियो कॉलिंग करते वक्त अपने फ़ोन की स्क्रीन को शेयर भी कर पाएंगे, जो कि एक काफ़ी अच्छी फीचर है। तीसरे फीचर देखें तो गाइस, गूगल ने एक नया फीचर रोल आउट किया है जो कि है साउंड नोटिफिकेशन। इस नए फीचर से हमारा फ़ोन आसपास हो रहे कोई भी साउंड या अलार्मिंग नॉइस डिटेक्ट कर हमें नोटिफिकेशन सेंड कर देता है। जब भी हम ईयरफोन या फिर किसी भी कारण से हमें वो आवाज़ सुनाई नहीं देती तो हमारा स्मार्टफोन उसे डिटेक्ट करके हमें नोटिफिकेशन कर देता है। हम इस साउंड नोटिफिकेशन के फीचर को लाइव ट्रांसक्रिबल ऐप में जाकर एनेबल कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो इस फीचर से हमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, जैसे जब हमारे फ़ोन कोई भी साउंड डिटेक्ट करेगा, जैसे फायर अलार्म, डोरबेल या फिर बच्चे का रोना या फिर और भी बहुत सारे नॉइज़, तो हमें हमारा स्मार्टफोन फ्लैश वाइब्रेट या फिर पुश नोटिफिकेशन सेंड करके हमें अलर्ट कर देगा। चौथे फीचर की बात करें तो गाइस, गूगल के फ़ोन ऐप के साथ अब हमारा एंड्रॉयड डिवाइस कोई भी स्पैम कॉल को ऑटोमेटिकली स्टॉप या एंड कर देगा और आपको ये भी बताएगा कि कौन कॉल कर रहा है और क्यों कॉल कर रहा है। इस स्पैम फीचर को अब आप कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस पे डाउनलोड कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पर फ़ोन बाय गूगल नाम से अवेलेबल है। और अब आखिरी फीचर की बात करें जो कि है फिफ्थ फीचर, तो गूगल ने कॉग्निटिव डिसेबिलिटी और एज रिलेटेड वाले लोगों के लिए एक नया फीचर जारी किया है अपने एक्शन ब्लॉक ऐप पर, जिससे कि शॉर्ट फ्रेज या एक्शन से फ़ोन के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। एक्शन ब्लॉक ऐप पर अब गूगल ने मोर देन 1000 ऑफ पिक्चर कम्युनिकेशन सिंबल, जो कि तो भी डायनावॉक्स की तरफ से आता है, उसे ऐड कर लिया है, जिसके कारण एंड्रॉयड ऐप को और भी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। और अब इस पे इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे जैपनीज, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन लैंग्वेज की भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो बस यही थे वो 5 नए फीचर जिसे गूगल ने अनाउंस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।